नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। देखिए, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अलग अलग युद्ध नीतियाँ इस्तेमाल की गई है। जब हम लोग युद्ध नीति की बात करते हैं, बहुत सारा लिटरेचर आपको मिलेगा, संजू की बुक्स आपको मिलेंगे। अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, कौटिल्य के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कौटिल्य कहते हैं युद्ध में या फिर डिप्लोमेसी में आप अलग अलग मीन्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि साम दाम दंड भेद। कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम रशिया इज यूजिंग दीज मीन्स। तो आज हम लोग उसी एक नीति के बारे में बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक पावर या फिर इकोनॉमिक टूल्स इन अ वॉरफेयर, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मली हमारी कॉन्सेप्शन ये होती है, हमारी धारणा ये है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में मिलिट्री माइट देखी जाती है। हम लोगों ने मिलिट्री माइट भी कंपेयर की थी रशिया और यूक्रेन की। हम लोगों ने कहा था कि रशिया इज़ वे अहेड ऑफ यूक्रेन, लेकिन 2 महीने से हम लोगों ने देखा है कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी फाइट बैक जरूर किया है, काफ़ी नुकसान किया है रशिया का। अब रशिया इज रिजॉर्टिंग टू अदर मीन्स। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक वॉरफेयर भी कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक। फॉल्ट लाइंस हैव बीन ड्रॉन, एक तरफ है रशिया, दूसरी तरफ है वेस्ट। वेस्ट ने पहले इन्वॉल्वमेंट नहीं की, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सैंक्शन या फिर प्रतिबंध लगाए रशिया के ऊपर। रशिया ने भी ऑल्टरनेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ढूंढने की कोशिश की और अभी कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर या फिर इकोनॉमिक ब्लैकमेल में लगे हुए हैं, सो दैट दे कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ क्विड प्रो को और अपर हैंड इन नेगोशिएशन। तो क्या किया है रशिया ने हाल ही में? रशिया ने गैस सप्लाई बंद की है 2 कंट्रीज नेटो की, पोलैंड और बल्गेरिया को। उन्होंने कहा है कि हम गैस नहीं देंगे। अब ये एक इंडिकेशन है, नॉट जस्ट फॉर पोलैंड। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पोलैंड के साथ क्या हो सकता है, बल्गेरिया के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि अगर गैस एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश गैस के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो क्या होगा इन कंट्रीज़ का। साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि अगर रशिया डिसाइड करे, क्या वो पूरे यूरोपियन यूनियन को, जिन भी देशों को सप्लाई करता है गैस, क्या उसे रोक सकता है? अगर रोकेगा तो क्या हो सकता है यूरोप में, ये हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होगा रशिया के साथ, ये भी चर्चा करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन। दैट वुड बी द कंप्लीट एजेंडा इन दिस वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू आवर वेबसाइट studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। यू कैन जस्ट गो थ्रू द कोर्स डिटेल्स। इस कोर्स को हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी, मेंस की प्रिपरेशन होगी, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। मेंस के बाद देयर वुड बी हैंड होल्डिंग फॉर पर्सनालिटी टेस्ट गाइडेंस एज वेल। इसके अलावा रिसेंटली स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन भी शुरू हो चुका है। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी बुक आई है। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी कोर्स करते हैं स्टडी आईक्यू पे, यूज़ द कोड राहुल 33, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर ये कोड फ्लिपकार्ट और अमेजन पे वर्क नहीं कर रहा है, इट विल नॉट वर्क देयर, इट विल वर्क ओनली ऑन दिस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म, डू रिमेंबर दिस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रैल 27, 2022 को रशियन गैस जायंट गाजप्रोम जो है, उन्होंने गैस सप्लाई बंद कर दी है 2 देशों को, बल्गेरिया और पोलैंड। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जहां पे वी हैव कंप्लीटली सस्पेंडेड द नेचुरल गैस सप्लाई टू पोलैंड्स कंपनी PGNiG बल्गेरियस बल्गार गैस। तो इनको जो नेचुरल गैस जाती थी वो अभी बंद हो चुकी है। अब ये क्यों हुआ है, व्हाई इट हैज़ हैपन्ड? देखिए, रशिया की तरफ से एक रीज़न आया है, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग इन रूबल। हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। रशिया ने ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश की, उन्होंने चाइना की यूनियन पे के साथ भी मिलीभगत की हुई, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन से कहा, यूरोप के देशों से कहा कि अगर आपको नेचुरल गैस चाहिए तो आप हमें रूबल में पे करें, रूबल इज रशियन करेंसी। अब यहाँ पे एक डिक्री पास की व्लादिमीर पुतिन ने, रशियन प्रेसिडेंट, कि April 1st के बाद कोई भी अनफ्रेंडली, याद रखिए अनफ्रेंडली फॉरेन बायर, दे हैव टू पे इन रूबल इटसेल्फ, दे हैव टू पे इन रूबल। अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसी रीजन के चलते उन्होंने कहा कि पोलैंड और बल्गेरिया का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, वहाँ पे नेचुरल गैस पहुँचेगा ही नहीं। ऑल दो रूबल का रीज़न तो दिया, लेकिन इसके लिए और भी दूसरे रीजन्स हैं, जियो स्ट्रेटेजिक रीजन्स, क्योंकि वॉर चल रहा है। हम लोग कह सकते हैं इट इज़ नाउ नेटो वर्सेज रशिया, और दोनों पोलैंड बल्गेरिया नेटो का समर्थन कर रहे हैं। इनफैक्ट पोलैंड काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ये एक मेजर गेटवे बन चुका है जहाँ पे मिलिट्री सप्लाई डायरेक्टली यूक्रेन को पहुँच रही है फ्रॉम पोलैंड। पोलैंड ने अनाउंस भी किया था कि हम नए टैंक्स देंगे यूक्रेन को।
पोलैंड ने सैंक्शंस का भी समर्थन किया है, गाजप्रोम को भी उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, बहुत सारे रशियन बिजनेसमैन को और रशियन ओलिगार्क्स को उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। बल्गेरिया देखिए, बल्गेरिया वॉज जनरली प्रो रशियन बिफोर दिसंबर 2021, लेकिन दिसंबर 2021 में वहाँ पे एक लिबरल सरकार आई जिन्होंने जो पुराने टाइज थे रशिया के साथ उसको ब्रेक किया और वो भी नेटो की तरफ मूव हो गए हैं। उन्होंने भी वेस्टर्न सैंक्शंस का समर्थन किया हुआ है और इन्होंने भी नेटो की जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें एक आउटपोस्ट दिया हुआ है अपनी जगह पे। तो इसकी वजह से भी ये गैस स्टॉप हुआ है। इनफैक्ट ये जो गैस स्टॉपिंग है ये एक सिम्बॉलिक चीज़ भी है, आप इसको थोड़ी देर में समझ जाओ। लेकिन क्या होगा इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग बात करें पोलैंड की? देखिए, इन जनरल पूरे यूरोपियन यूनियन में एक पहल छिड़ी हुई कि वो रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है गैस की, ऑयल की, उसको कम करें, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत भी हो चुकी है। पोलैंड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि पोलैंड में जितनी नेचुरल गैस आती है वो 40% गैस आती है रशिया से, ये भी वो लोग धीरे धीरे कम करने वाले हैं। इनफैक्ट इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है रशियन नेचुरल गैस के लिए दे वर सपोज टू एंड बाई ईयर एंड, यानी कि दिसंबर 2022 तक खत्म होने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो रशिया ने रोका है गैस, उसकी वजह से पोलैंड के पास डेफिसिट रहेगा 5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का, और ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी जगह से प्रोक्योर करें। इनफैक्ट पोलिश गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि उनके जो अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज है 80% फुल है, एक महीने तक उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अल्टरनेट सोर्सेस से वो लोग LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस लाने की पहल में लगे हुए हैं। इनफैक्ट मई में ये कहा जा रहा है नई गैस पाइपलाइन बनेगी लिथुआनिया से जहाँ पे उन्हें LNG मिलेगा। इसके अलावा एक नई पाइपलाइन आने वाली है नॉर्वे से, बाल्टिक पाइपलाइन, अक्टूबर 2022 तक ये बन जाएगी, वहाँ से नॉर्वे से भी उन्हें गैस आना शुरू हो जाएगा। तो पोलैंड के ऊपर उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, इसीलिए पोलैंड ने एक स्ट्रिक्ट स्टांस भी लिया हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री इक्विपमेंट भी सप्लाई किया है नेटो को, यूक्रेन को। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गेटवे भी दी हुई है, दूसरे देशों के भी जो इक्विपमेंट आ रहे हैं आर्म्स एंड अम्युनिशंस दे आर पासिंग थ्रू पोलैंड इटसेल्फ। लेकिन बड़ा खतरा है बल्गेरिया के लिए। बल्गेरिया में जो नेचुरल गैस आता है 77% उनका नेचुरल गैस आता है रशिया की तरफ से, और वो काफ़ी परेशानी में पड़े हुए हैं। ऑल्दो बल्गेरिया की सरकार ने कहा कि उनके पास गैस अवेलेबल है अभी एक महीने के लिए, फॉर अनदर मंथ, लेकिन क्लियरली उनके जो एनर्जी मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था अलेक्जेंडर निकोला, उन्होंने ये बताया कि अप्रैल महीने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डॉलर्स और यूरोज में पे किया था रशिया की गाजप्रोम को, लेकिन फिर भी उन्होंने गैस सप्लाई बंद की थी बाय द एंड ऑफ अप्रैल। सो इट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट बल्गेरिया के स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द रशियंस। तो बल्गेरिया में जो भी गैस आता है 90% गाजप्रोम ही सप्लाई करता है। ऑल्दो बल्गेरिया ने कहा है कि हम लोग अल्टरनेट सोर्सेज से ही लेंगे, लेकिन इसमें समय ज़रूर लगेगा। तो बल्गेरिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। पोलैंड नॉट मच इम्पैक्ट, बट बल्गेरिया विल बी इम्पैक्टेड हैवीली। अब सवाल ये उठता है कि आज पोलैंड के साथ हुआ है, बल्गेरिया के साथ हुआ है, क्या कल दूसरे यूरोपियन कंट्रीज का भी होगा? क्या व्लादिमीर पुतिन इकोनॉमिक ब्लैकमेल या फिर मैं कहूंगा एनर्जी ब्लैकमेल करेंगे यूरोपियन यूनियन को? विल अदर कंट्रीज बी सिमिलरली हिट बाय गैस सप्लाई स्टॉपेजेस? अगर हम लोग बात करें कितनी निर्भरता है, देखिए बल्गेरिया पे स्टॉप हो चुका है, पोलैंड में स्टॉप हो चुका है। मैंने आपको बताया पोलैंड 40% डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस, बल्गेरिया 77%, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज है जैसे कि फिनलैंड हो गया 94% डिपेंडेंट है ऑन रशियन गैस, लैटविया 93%, बहुत सारे देशों को सप्लाई करता है रशिया नेचुरल गैस, 23 कंट्रीज को सप्लाई करता है। और कल अगर इन सारे कंट्रीज को स्टॉप हो गया तो क्या हो सकता है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया रशिया सप्लाइज टू 23 कंट्रीज ऑफ यूरोप, और अभी उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो तो रहेंगे, आप पेमेंट करोगे रूबल, वी विल नॉट एक्सेप्ट पेमेंट इन यूरो और दी डॉलर, यूएस डॉलर विल नॉट एक्सेप्ट, क्लियरली बता दी। और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है, जो यूरोप के देश है, उसमें से केवल एक कंट्री है हंगरी, अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट किया, ऑफिशियली उन्होंने एग्री किया कि हम आपको रूबल में पेमेंट कर देंगे। तो अगर दूसरे देश मना कर दे, ऑल दो ऑफिशियली मना नहीं किया लेकिन किसी ने भी अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिड मे तक चलेंगे, मिड मे के बाद नई पेमेंट आएगी रशियन गाजप्रोम को, तो वो अगर रूबल में आएगी तो नेचुरल गैस सप्लाई चलेगा, अगर नहीं आएगी तो शायद वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी रोकेंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि यूरोप की 10 कंपनीज से भी ज़्यादा है जिन्होंने गाजप्रोम बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है टू मेक रूबल पेमेंट। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रूबल में पेमेंट कर रहे हैं यूरोप, क्योंकि वो काफ़ी हद तक निर्भर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉट इफ
रशिया कट्स सप्लाई कंप्लीटली। क्या यूरोप आज इस स्थिति में है कि वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव? दे आर नॉट, दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन रशिया। अगर हम लोग बात करें, तीन मेजर सोर्सेस हैं इनकी नेचुरल गैस की। एक है रशिया, 41% ऑफ गैस टू यूरोप कम्स फ्रॉम रशिया। कुछ आता है नॉर्वे से, कुछ आता है अल्जीरिया से। ये तीन बहुत बड़ी सोर्सेस है, रशिया, नॉर्वे, अल्जीरिया। इसके अलावा कतार एंड अदर सोर्सेस आर देयर। और डिपेंडेंसी जो है यूरोप में अलग अलग देशों की अलग अलग डिपेंडेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया फिनलैंड की 94% है, नॉर्थ मैसेडोनिया कंप्लीटली 100% नेचुरल गैस आता है रशिया से ही, 11% आता है नेदरलैंड में। नेदरलैंड में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भी काफ़ी चलती है, तो ओनली 11% नेचुरल गैस के ऊपर रिलाई करते हैं फ्रॉम द रशियंस। तो अगर कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके पास अल्टरनेटिव सोर्स है नहीं। अगर हम लोग एलएनजी की बात करें, देखिए एलएनजी आ सकता है, कतार सप्लाई कर सकता है, दूसरे कंट्री सप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम सप्लाई करेंगे, लेकिन एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ महीने तो लगेंगे उसको बिल्ड करने में। तो उन महीनों में क्या होगा, शायद ये लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ भी लें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम लोग रशिया से अपनी डिपेंडेंस कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं। इवन इफ दे डू इट, दे नीड टाइम। और इस टाइम में अगर अल्टरनेटिव्स ढूंढने तक अगर रशिया ने सप्लाई बंद कर दी तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। चलिए समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जिस दिन अप्रैल 27 को गाजप्रोम ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि पोलैंड और बल्गेरिया को हम लोग गैस सप्लाई नहीं करेंगे, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई और भी ज़्यादा नेचुरल गैस के प्राइजेस मार्केट में बढ़ गए, सडन हाइक इन प्राइजेस। तो फ्यूल इन्फ्लेशन ज़रूर होगी, क्योंकि शॉर्टेज हो रही है गैस की, तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट यूरोपियन इकोनॉमीज पर ज़रूर होगा। और अगर फ्यूल महंगा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अभी फिलहाल तो पोलैंड ने भी कहा है, बल्गेरिया ने कहा है कि रैशनिंग नहीं होगी, यानी कि नेचुरल गैस की रैशनिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक महीने से ज़्यादा का स्टोरेज बचा हुआ है। लेकिन एक महीने के बाद क्या होगा, क्या उसके बाद लिमिट्स लगेंगी? पीपल आर नॉट सपोज टू यूज़ मोर देन दिस क्वान्टिटी, क्या उस तरह की रैशनिंग हो सकती है? इट माइट बी पॉसिबिलिटी। और अगर इस फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, मेजर जो इकोनॉमीज है जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे पॉसिबल रिसेशंस आ सकते हैं। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, अगर पोलैंड को गैस सप्लाई बंद कर दी तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो अभी भी जर्मनी को, फ्रांस को सप्लाई कर रहे हैं, देन पोलैंड विल लुक टुवर्ड्स अदर यूरोपियन प्लेयर्स। ऑल दो फिर रशिया का उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जरूर है कि दे आर नॉट गोइंग टू सप्लाई टू द अदर कंट्रीज, बट सम अमाउंट कैन बी डन, तो दे विल बी लुकिंग फॉर अदर सोर्सेज। तो दूसरे सोर्सेज में भी एक प्रेशर जरूर आ जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहता है खुद को। तो मेजर इकोनॉमीज में अगर रिसेशन आ जाएगा तो इसका इंपैक्ट पूरे यूरोपियन यूनियन के ऊपर पड़ सकता है। और इससे भी एक बड़ा परिणाम हो सकता है कि आज अगर नेचुरल गैस नहीं मिल रहा है तो डर्टी एनर्जी ढूंढते, डर्टी एनर्जी मतलब कोल बेस्ड पावर। तो कहीं ना कहीं पोलैंड में ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है, पोलैंड में कोल बेस्ड एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरे देशों में भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और भी ज़्यादा बिल्ड हो सकते हैं, जो हमारी फाइट छिड़ी हुई है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, उसमें ये एक बहुत ही बड़ा बैक स्टेप रहेगा अगर कोल बेस्ड एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ेगी यूरोपियन यूनियन में। तो ये सारे पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर रशिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? ऑफकोर्स इम्पैक्ट होगा। देखिए रशिया का एक बहुत बड़ा गैम्बल है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्टर्न ब्लॉक ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, तो अभी रशिया इज यूजिंग सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक मींस, जहां पे उन्होंने दो कंट्रीज को गैस देने से मना कर दिया। अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट आया, यूरोपियन कमीशन की जो हेड है अर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रशिया इज रिजॉर्टिंग टू इकोनॉमिक ब्लैकमेल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया साम दाम दंड भेद, किसी तरह के भी टूल्स इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इकोनॉमिक पावर यहां पे दिखा रहे हैं। एनर्जी की पर्सपेक्टिव से वो कह रहे हैं कि हम आपको नेचुरल गैस नहीं देंगे, लेकिन कब तक ये चलेगा? टेम्पररली तो इफेक्ट तो होगा ही यूरोपियन यूनियन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं रशिया का ये बहुत बड़ा गैम्बल है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर इतना ज़्यादा गैस है तो आप करोगे क्या? क्या आपके पास स्टोरेज करने की तो कैपेसिटी है क्या उतनी? क्योंकि अगर आप गैस प्रोड्यूस कर रहे हो, इतनी ज़्यादा पाइपलाइन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसे डाल रखे हैं, ब्रदरहुड पाइपलाइन है, यमल पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 1-2 बनी है, तो इससे आप गैस सप्लाई करोगे। अगर आपके पास एक्सेस गैस है तो आपके पास स्टोरेज की मींस भी नहीं है, तो क्या करोगे आप? आपको गैस तो इवेंचुअली बेचना तो है ही, तो रशिया को गैस तो बेचना है ही, लेकिन कहीं ना कहीं दे वांट टू एनहांस देयर लेवरेज, बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए, तो इन्होंने क्लियरली कह दिया कि हमें आप रूबल पे पेमेंट कीजिए। और आगे चल के हम लोग एक अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं
कि इस गैस को लेकर, नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन विल गेट मेनी सैंक्शंस रिवर्स्ड फ्रॉम रशिया, यानी कि जो भी यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लगे कहीं ना कहीं एक क्विड प्रो को डील होगी जहां पे नेचुरल गैस के बदले रिवर्सल ऑफ सैंक्शंस हम लोग देख सकते हैं आगे चल। सो इट्स अ बिग बिग रशियन गैम्बल, क्योंकि आपके पास एक कमोडिटी है तो आपको बेचना तो है ही, क्योंकि उसको स्टोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वो स्टोर करने का, क्योंकि गैस को स्टोर करना है, राइट? तो बेचना तो है ही, बट दिस इज सम काइंड ऑफ अ लेवरेज डील जहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट सम नेगोसिएशन बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड रशिया गोइंग फॉरवर्ड। अ क्विड प्रो को डील माइट हैपन जहाँ पे सैंक्शंस कम जरूर हो सकते, लेकिन ये एक डायनामिक डेवलप हो चुकी है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण रहेगा अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमिक टूल्स या फिर एनर्जी से रिलेटेड टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं वॉरफेयर में। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा आपके लिए, एनर्जी ब्लैकमेल और इकोनॉमिक ब्लैकमेल, व्हाट यूरोपियन यूनियन कॉल्ड टू ऑन द रशियन स्टेप ऑफ ब्लॉकिंग द गैस। तो आगे चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, किस तरह की नेगोशिएशंस होगी। अभी फिलहाल तो पोलैंड और बल्गेरिया को नेचुरल गैस नहीं मिलेगा रशिया से, क्या दूसरे कंट्रीज भी कुछ इसी तरह का फेट सफर करेंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा। जब भी होगा तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे द नेटिविटीज ऑफ दिस, व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द अपडेट्स, जल्द से जल्द हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी आईक्यू, दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, जय हिंद।